बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अवैस वीज़ा टीवी यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने बताया कि दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल वन को 15 माह के बाद 24 जून 2021 बरोज जुमेरा से दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया गया है। दुबई एयरपोर्ट के CEO ने वाज़ेह किया है कि हर रोज टर्मिनल वन पर लगभग 66 इंटरनेशनल एयरलाइंस की आमदोरफ्त हुआ करेगी, जिसके लिए हमें वर्कर्स की जरूरत भी होगी। कोरोना वायरस से एयरपोर्ट पर होने वाली तब्दीलियों की वजह से जब से नया सिस्टम लॉन्च किया गया है, एयरपोर्ट पर मजीद वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं, जिनमें से कुछ पुराने वीजा होल्डर को रिएक्टिव किया जाएगा और बहुत से नए जॉब की तलाश करने वालों को मौका दिया जाएगा। दुबई एयरपोर्ट CEO ने ऐलान किया है कि इस हफ्ते में यही के जून के महीने के अंदर अंदर दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल वन पर 3500 जॉब्स का बकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। इनमें से कुछ जॉब्स एयरलाइन मुहैया करेगी, जबकि बकाया जॉब्स के लिए एयरपोर्ट वर्क वीजे इशू करेगा। नाजरीन, इन जॉब्स के बारे में जैसे ही इस हफ्ते में बकायदा ऐलान कर दिया जाएगा, हम इस पर भी जरूर वीडियो बनाएंगे कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। इसके लिए नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस हवाले से नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।